क्लास टुडे वी विल डू क्राफ्ट वर्क। सो आपको इतना बड़ा एक पेज लेना है जिसकी लेंथ कितनी होगी, जिसकी लेंथ होगी आपकी कितनी 9.5 सेंटीमीटर, सॉरी प्रॉपर पूरी जितनी होगी वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ होगी आपकी वो कितनी होगी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ आपने 12 ले ली, ब्रेथ आपने 17 ले ली। अब इस 12 में से आपको 9.5 मतलब ये आपका ऐसे यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है 12 है, तो इसमें से 9.5 आ रही है आपकी यहाँ से। अब इतना एरिया आप क्या कर लेंगे, इतना एरिया आप कट कर लेंगे यहाँ 11.5 पर और यहाँ 9.5 पर। ओके, तो ऐसे ही हम ऐसे यहाँ कर लेते हैं, ऐसे जैसे कि हमारा 9.5 आता है, इतना हमारा हम इसको इतना कर लेते हैं। ठीक है, और इसके हम लाइन बना लेते हैं, ये बन गया। बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका एरिया बचा ये हो जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। देखिए हो रहा है 5.5 यहाँ आ रहा है, तो हम इसे लाइन कर देंगे और हम यहाँ कर दे लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ रफली बना रहे हैं। अब इस एरिया को हम क्या कर देंगे, कट आउट कर देंगे। आया समझ, इस एरिया को हम कट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ विथ व्हाट सीजर। मेरे साथ साथ करिए क्राफ्ट। हो गया कट, अब आपकी इस तरह की शेप बन जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपके इसको यहाँ से यहाँ ये करा 2.5 का लेना है, अब यहाँ से 2.5 का लिया, यहाँ तक है 2.5, यहाँ से लाइन कर देंगे। अब 5.5 का लेंगे, 0 करा, अब यहाँ कर देंगे लाइन, अब यहाँ 2.5 का लेंगे वंस अगेन, यहाँ तक ले लिया, अब ये जो बचा इसको ये 1 होगा आपका। हाँ देखिए 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 बचा, तो हम एक बार में लिख ले जिससे आपको याद है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर है ही और ये है 3 सेंटीमीटर। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 सेंटीमीटर प्रॉपर नहीं है। अब यहाँ आप करेंगे 2 सेंटीमीटर की लाइन, तो 0 से आप 2 सेंटीमीटर गिन लीजिए, दिस इज अप टू दिस, ये रहे आपका 2 सेंटीमीटर, यहाँ से आप सब में लाइन कर देंगे। इतना हुआ, कितना था 2 सेंटीमीटर हुआ इतना। अब आपको क्या करना है, करिए इतना विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप इसे अब फोल्ड करना है आपको ये सब पूरा, तो ऐसे एक बार करके देख लीजिए, स्केल के थ्रू अच्छे से हो जाएगा, सारे ही करने हैं आपको ऐसे, हम ऐसे ट्राई करेंगे, कर रहे हैं ना हम ट्राई। ऐसे उसी लाइन पर रख के आप इस कोइल को ट्राई कर लेंगे। ऐसे अब इन्हें कर लेंगे,
और ये शीट आपकी हल्की होनी चाहिए। अगर आपका जो पेपर है वो ज़्यादा होगा, मतलब मोटा होगा, तो ये फोल्ड करना मुश्किल हो सकता है। ये हो गया, अब आप देखेंगे ये बेंट हो सकता है कहीं भी कैसे भी आराम से, है ना, ऐसे ही इसको। अब ये जो लाइन्स हैं ना, आप विथ सीजर्स आप इन्हें कट कर लेंगे सारी, ये 1, 2, 3, 4 सिर्फ यहीं तक इतनी कट करनी है, तो कट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स कट इट दिस दिस, यहाँ कट कर ली। अब इस पे आएंगे दिस, हो गई सारी लाइंस कट। अब देख सकते हैं आप सब मुड़ रहा है अलग अलग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो है ये वाली, इसको आप बाहर निकाल लेंगे, मतलब आप इसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमने कर दी, ये हम कर देंगे कट, हो गया। अब आपका बॉक्स बन जाएगा इस तरह, ये बचा आपका, अब आपका इतना एरिया बचा है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो एरिया है इसको बेंड करेंगे अच्छे से, नाओ ऐसे ले जाएंगे आप इन दिस वे, क्योंकि यहाँ पे तो लग जाएगा आपका फेविकॉल, तो आ जाएगा आपका ऐसे। ठीक, तो यहाँ हम लगाएंगे क्या, फेविकॉल लगाते हैं हम यहाँ पे, फेविकॉल लगा लीजिए या फिर फेवी स्टिक लगा लीजिए। तो कहाँ लगानी है हमें, हेयर, लगा ली हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे जॉइंट कर देना है। ये जो है ये वाला कोना इससे ये सीधे आना चाहिए, इस पे ऐसे जॉइंट करना है। ऐसे कुछ तरह ऐसे जॉइंट हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम इसे सूखे रखना है। ये ड्राई हो चुका है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ी देर और है इसको, अब ये जो ऊपर का इसका दूसरा हिस्सा है इसको हम करेंगे इन दिस वे, इस वे में हम इसको बंद करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा वॉट, फेविकॉल और फेवी क्विक, वॉट एवर यू हैव। तो पहले हम इसे ज्वाइन करते हैं विच इज इन दिस वे। अब ये जो है आपका, इसको फेविकॉल लगाएंगे, लगाया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, हो गया, इतना बना हमारा, आया समझ। इतना अभी हमें सोखे रखना है, ओके। जैसे ये हमारा रेडी हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें, अब आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ये जो है साइड के, आपको इसको, आपको बीच में से इतना ऐसे इन दिस वे आपको इसे बेंड करना है, हो गया ये बेंड, जिससे कि ये आपका ऐसे आ जाए। बना इतना, इतना आपका रेडी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसका विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हम इसको ऐसे कुछ कर्व टाइप बनाएंगे, कर्व टाइप, ये हमने बनाया कुछ कर्व टाइप। अब इसे हम विद द हेल्प ऑफ सीजर हम इसे क्या कर देंगे, कट आउट कर देंगे।
ये देखिए हमने कर लिया कट, अब ये शेप में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इतना हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा फेविकॉल लगा देते हैं जिससे परेशान ना करें हमें। मैं फेविकॉल लगना मुश्किल है, बट स्टिल अगर आपका लग जाता है तो आप लगाएंगे, नो प्रॉब्लम अदरवाइज। ओके, इतना बन गया आपका। अब आपको लेनी है दूसरी कलर की शीट, ये हमारा इतना बन गया है, ठीक है। अब आपको ऐसे कुछ कलर की शीट लेनी है, इस कलर की समथिंग, या फिर कोई और कलर भी आप ले सकते हैं। ओके, अब आपको विद द हेल्प ऑफ सीजर इसके अकॉर्डिंग, हमारा जो बैग है इसके अकॉर्डिंग, इससे थोड़ा छोटा साइज, तो अपनी अभी हम इतना कट कर लेते हैं। इतना हमने कट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग हमारा बन पाएगा। इतना कट करके देख लेते हैं, ये भी बड़ा है ना। तो अब हम इधर से और कट कर लेते हैं ऐसे, ये कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसे क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे इस। तो पेस्ट के लिए हमें इसके ऊपर हम कुछ इमोजी बनाएंगे, जैसे कि हमने ये ब्लैक बैक ब्लैक मार्कर ले लिया है, हम किसके ऊपर बना लेते हैं। पहले तो पेंसिल से बनाते हैं जिससे कि बाद में कोई परेशानी क्रिएट ना हो। बनाया इतना आपने, ठीक है। अब इसको हम मार्कर से हम इसे करते हैं, ठीक है। अब हम हमारे बॉक्स पर इसे पेस्ट कर देंगे। ना हमारा बन गया, ये हमारा इतना रेडी है। अब इसके ऊपर ये जो है, इसको आप कोई और कलर लेके आप इसको इसकी भी जगह सही कर देंगे, विच इज हम कोई और कलर ले लेते हैं, पर्पल ले लिया, पर्पल से हम इसका ये
ऐसे हम इसकी चारों तरफ बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, हो गया इतना। अब इस पे ऐसे ही छोटी 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 ये कर दी हमने। अब यहाँ पे हम कोई और कलर लेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक पतला सा इसी रेड कलर का पहले तो आप करेंगे इसको ऐसे इन दिस वे देन इन दिस वे इतना करा। अब आप इन दोनों को कटआउट कर लेंगे जैसे कि हमारा ये बनकर आ गया। अब ये जो है हमारा बॉक्स, अब हम इस पे ऐसे पीछे इसके लगा देंगे। ठीक है, हम अभी इसको पेस्ट करते हैं। ये आपका जैसे लग गया, ठीक, ये आपका पॉली बैग हो गया रेडी। आप इसको ऐसे ले जा सकते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, अपने रुपीस वगैरह कुछ भी। देखिए इसमें काफ़ी स्पेस है, आप मम्मा पापा को दिखा सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया आपका पॉली बैग। हाउ इज़ इट? सो दिस इज़ द क्राफ्ट वर्क, और इसको आप ये ऐसे आप रख भी सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द क्राफ्ट वर्क यू हैव टू मेक एट योर होम फॉर योर मदर, फॉर योर फादर, फॉर योर सेल्फ। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।